आई एम डॉक्टर अल्पना जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, जेटीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, कोटा। टुडे द टॉपिक इज प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग सेल्स आर्टिफिशियली इन द लेबोरेटरी और इन विट्रो। प्लांट टिश्यू कल्चर वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट सेल्स, टिश्यू या प्लांट ऑर्गन्स को आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में एसेप्टिक कंडीशन और कंट्रोल्ड कंडीशन में लैब में कल्चर किया जाता है। टिश्यू कल्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी ये शब्द मॉर्गन ने 1901 में दिया था और टोटिपोटेंसी का अर्थ है कि हर एक सिंगल सेल में एक कंप्लीट इंडिविजुअल या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनने की क्षमता होती है। प्रोफेसर व्हाइट ने 1963 में बताया कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हर एक सेल में ये क्षमता होती है कि वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सके और अगर उसे सुटेबल कंडीशन दी जाए तो उससे कंप्लीट प्लांट बन सकता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा हम प्लांट सेल्स, टिश्यू या ऑर्गेन जैसे ओवरी, कॉटिलेडंस, एंडोस्पर्म्स, उनको एसेप्टिक कंडीशन में यानी स्टराइल कंडीशन में न्यूट्रिएंट मीडिया के ऊपर हम ग्रो कर सकते हैं। इसको इन विट्रो कल्चर भी कहते हैं। और इस तरीके से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। हेबरलैंड ने 1902 में ही ये सेल कल्चर का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने प्लांट सेल्स को आइसोलेट करके लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल मीडियम में कल्टिवेट भी किया। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले एक टिश्यू कल्चर लैब। एक अच्छी टिश्यू कल्चर लैब होना बहुत जरूरी है अगर हमें टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, तो उसमें कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। जैसे न्यूट्रिएंट मीडिया प्रिपरेशन के लिए रूम होना चाहिए, एक सेपरेट रूम जहाँ पर सफिशेंट स्पेस हो, ग्लासवेयर्स रखे जा सकें, केमिकल्स रखे जा सकें, वेइंग बैलेंस रखी जा सके, वहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए ताकि जो भी स्टॉक सॉल्यूशन बना रहे हैं उनको रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि कंटेमिनेशन ना हो सके। दूसरा, एसेप्टिक ट्रांसफर एरिया। जो भी हम लिविंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको एसेप्टिक कंडीशन में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंटेमिनेशन हो जाता है तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। एक कल्चर रूम होना चाहिए कल्चर की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जहां पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होना जरूरी है। इसके अलावा एनालिटिकल रूम, जो कल्चर्स हैं उनके ऑब्जर्वेशन और इवेल्युएशन के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए टिश्यू कल्चर लैब में। जब प्लांटलेट्स डेवलप हो जाती हैं तो उनको वॉश करके स्मॉल पॉट्स में रखा जाता है और इसके बाद इनको ग्रोथ टनल्स में रखा जाता है और लास्ट में उन प्लांटलेट्स को फील्ड में लगाया जाता है। तो इस तरीके से एक एक्लिमेटाइजेशन के लिए भी एरिया होना चाहिए। तो ये तो टिश्यू कल्चर लैब के बारे में था कि टिश्यू कल्चर लैब में कौन कौन से स्पेसिफिक एरिया होने चाहिए हर काम के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स प्लांट की। जिस प्लांट का भी हमें कल्चर करना हो तो उस प्लांट का जो भी पार्ट यूज किया जाता है कल्चर के लिए उसको एक्सप्लांट कहते हैं और इसका साइज 1.5 मिलीमीटर तक होता है। एक्सप्लांट को ग्रो करने के लिए सुटेबल कल्चर मीडिया जरूरी है। कई वर्कर्स ने आर्टिफिशियल मीडिया बनाए हुए हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया यूज करते हैं प्लांट को कल्चर करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ग्रोथ रेगुलेटर्स ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनकी रेशियो अलग अलग रहती है। अगर शूट डेवलप करनी है तो साइटोकाइनिन की रेशियो हायर रखनी पड़ती है और अगर रूट डेवलप करनी है तो साइटोकाइनिन की रेशियो लोअर होती है, कम होती है। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट करते समय एसेप्टिक कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। अगर जरा सा भी कंटामिनेशन हो जाता है तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। फ्रीक्वेंट सब कल्चरिंग, जब एक्स प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो थोड़े समय के बाद वो न्यूट्रिएंट मीडिया बेकार हो जाता है, बार बार सब कल्चरिंग करनी पड़ती है, यानी फ्रेश मीडियम लेकर के उसमें सेल्स को ग्रो करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए डिफरेंट जो एपरेटस हैं, कल्चर मीडिया या जो प्लांट मटेरियल, उन सबको स्टरलाइज करना पड़ता है, क्योंकि
कंटामिनेशन होने पर, यानी उनको वो दूषित हो जाते हैं। कंटामिनेशन होता है तो जो माइक्रोब्स हैं, फंगल स्पोर्स या बैक्टीरिया, वो न्यूट्रिएंट मीडिया से न्यूट्रिएंट लेते हैं और तेजी से ग्रो करने लगते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो टिश्यू हमें ग्रो करने हैं उनकी ग्रोथ तो नहीं हो पाती, वो जो स्पोर्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो तेजी से ग्रो होने लगते हैं और सारा न्यूट्रिएंट मीडिया बेकार हो जाता है। तो इस कारण से हमें न्यूट्रिएंट मीडिया को और वो जो ग्लासवेयर्स हम यूज कर रहे हैं उनको और जो भी एपरेटस अपने हैंड्स को, सबको हमको स्टरलाइज करके ही टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स शुरू करने चाहिए। तो इसके लिए कई मेथड हैं, जैसे ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, अल्ट्रावायलेट रेज, केमिकल्स या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो ड्राई हीट में जैसे फ्लेमिंग लॉ के द्वारा या हॉट एयर ओवन द्वारा, मॉइस्ट हीट माने जैसे स्टीम, मॉइस्ट हीट में ऑटोक्लेव यूज करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज के लिए हम लेमिनार एयर फ्लो यूज करते हैं, इसमें जो यूवी रेज निकलती हैं वो भी बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। या इनोकुलेशन चैम्बर भी यूज कर सकते हैं लेमिनार एयर फ्लो अगर हमारे पास नहीं है तो। कुछ केमिकल्स हैं जो कि स्टरलाइजेशन में यूज होते हैं, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो कि मिलीपोर फिल्टर्स के द्वारा किया जाता है। जब हम टिश्यू कल्चर स्टार्ट करते हैं, एसेप्टिक कल्चर करते हैं, तो उस समय अपने हाथों को भी हमें बहुत अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए, ऊपर नीचे, उंगलियों के बीच में से, अंगूठे के पास, और इसके बाद अल्कोहल से वॉश करके और उन हाथों को सुखा लेंगे। तो इस तरीके से हम हाथों को भी स्टरलाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड है बाय फ्लेमिंग या लॉ के द्वारा। तो जो भी हम फॉर्सेप या नेडल यूज कर रहे हैं उनको 95% अल्कोहल या स्प्रिट में डुबो लेते हैं पहले, और फिर उनको ड्राई करके अच्छी तरीके से फिर लॉ में रखते हैं, थोड़ी देर फ्लेम के ऊपर रखते हैं और ठंडा करके फिर इनको हम यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो कल्चर मीडिया से भरी हुई फ्लास्क होती हैं या जो कल्चर वायल्स होती हैं जिसमें हम कल्चर कर रहे हैं, उनके जब कॉटन प्लग हटाते हैं तो तेजी से हम फ्लेम के ऊपर उनको घुमाते हुए गर्म करते हैं ताकि उसमें कंटामिनेशन ना हो। नेक्स्ट है बाय ओवन। जो मेटल्स के इंस्ट्रूमेंट हैं या ग्लासवेयर्स हैं उनको ड्राई हीट से स्टरलाइज किया जाता है। तो इसके लिए इन्हें 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पर एक घंटे तक रखा जाता है। इसके बाद है मॉइस्ट हीट यानी ऑटोक्लेव द्वारा। कल्चर मीडिया या डिस्टिल वाटर को वेट हीट पर या स्टीम द्वारा स्टरलाइज किया जाता है। इसके लिए ऑटोक्लेव यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और इससे सैचुरेटेड जो स्टीम बनती है उसके द्वारा स्टरलाइजेशन किया जाता है। ऑटोक्लेव में आधे घंटे तक 15 पाउंड प्रेशर और 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इक्विपमेंट्स को रखा जाता है। ये एक मेटेलिक एपरेटस है जिसमें स्टीम बनती है, तो इसकी जगह हम प्रेशर कुकर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। तो टिश्यू कल्चर के लिए लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट यूज किया जाता है। इसमें जब हम एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं तो उससे 30 मिनट पहले यूवी लाइट जला करके माइक्रोब्स को नष्ट कर देते हैं। तो यूवी लाइट माइक्रोब्स को नष्ट करने के काम आती है। इसके अलावा इसमें हेपा फिल्टर्स लगे रहते हैं, सामने आप देख रहे हैं हेपा फिल्टर्स लगे हैं जिनसे होती हुई जो एयर आती है वो माइक्रोब्स को फिल्टर कर देती है। तो जो भी एयर बेंच पर आएगी वो माइक्रोब फ्री एयर होगी। हेपा फिल्टर्स का मतलब है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। अगर किसी लैब में लेमिनार एयर फ्लो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह इनोकुलेशन चैम्बर भी यूज कर सकते हैं। इनोकुलेशन चैम्बर में भी यूवी लाइट होती है जिसके द्वारा माइक्रोब्स नष्ट किए जा सकते हैं। इसको भी उसी तरीके से आधे घंटे पहले जला करके छोड़ देते हैं एक्सपेरिमेंट करने से पहले। इनोकुलेशन का क्या मतलब है? कल्चर वायल में एक्स प्लांट को ट्रांसफर करना। तो ऊपर से हम देखते रहेंगे, ग्लास प्लेट जो लगी है उधर से हम देखते रहेंगे और दोनों हाथों को अंदर डाल करके इनोकुलेशन किया जाता है, और यही इनोकुलेशन हम लेमिनार एयर फ्लो की टेबल पर करते हैं। तो इनकी जो बेंच है, लेमिनार एयर फ्लो की बेंच है या इनोकुलेशन चैम्बर की बेंच है, उसको भी अल्कोहल से क्लीन कर लिया जाता है।
ताकि कंटेमिनेशन ना हो सके। नेक्स्ट मेथड है केमिकल्स के द्वारा। जो ग्लासवेयर्स हम यूज करते हैं जैसे पैट्री प्लेट, बीकर, फ्लास्क, उनके लिए, या फिर जो वर्किंग टेबल है उनके लिए, और एक्सप्लांट प्रिपेयर करते समय कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है जैसे क्रोमिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड 0.1%, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड 0.5%, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड 0.5%, 70% इथाइल अल्कोहल एंड ब्रोमीन वाटर। तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो कि टिश्यू कल्चर लैब में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। कल्चर मीडियम में यूज होने वाले कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे विटामिन्स हैं या ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इनको स्टरलाइज करने के लिए अल्ट्रा फिल्टर्स यूज करने पड़ते हैं, और ये मिलीपोर मेम्ब्रेन्स होती हैं, सीड्स फिल्टर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं। इनके द्वारा बैक्टीरिया छन जाते हैं, क्योंकि हम ग्रोथ हार्मोन्स और विटामिन्स को हाई टेम्परेचर पर गर्म नहीं कर सकते, इस कारण से वहां पर हम मिलीपोर मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ये फिल्टर्स यूज करते हैं। जो विटामिन्स हैं और ग्रोथ हार्मोन्स हाई टेम्परेचर पर इनका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, इनके कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, यानी ये जो पदार्थ हैं ये हीट सेंसिटिव है, तो इस कारण से हम इनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ही करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मिलीपोर मेम्ब्रेन फिल्टर जो बैक्टीरिया को छान देते हैं हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए, अल्ट्रा फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या है? प्लांट का वो पार्ट, अब ये लीफ भी हो सकता है, स्टेम, बड्स, पॉलन ग्रेन, सीड, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, ओवरी, कुछ भी हो सकता है, जो भी प्लांट का पार्ट कल्चर के लिए यूज किया जाता है उसको एक्स प्लांट कहते हैं। जब हम टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले एक्स प्लांट को प्रिपेयर किया जाता है, यानी एक्स प्लांट का सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो उसके लिए जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लांट की एक छोटी जो हेल्दी ब्रांच है उसको काट करके, या फिर स्टेम का टिप लेकर के, या लीफ डिस्क की फॉर्म में लेकर के यूज करते हैं। इनका साइज 1.5 मिलीमीटर होना चाहिए। तो सबसे पहले जब एक्सप्लांट प्रिपेयर किया जाता है तो टीपॉल जो कि एक डिटर्जेंट है वो 5% सॉल्यूशन इसका बना लेते हैं और 10 टू 15 मिनट्स तक एक्सप्लांट को इसमें डाल देते हैं, और इसके बाद 3-4 बार टैप वाटर से वॉश करेंगे। फिर इस एक्सप्लांट को डबल डिस्टिल्ड वाटर से धोते हैं। तो डबल डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद इसको लेमिनार एयरफ्लो की बेंच पर रख करके एक्सप्लांट को 70% इथाइल अल्कोहल में 60 सेकंड तक डुबा के रखते हैं। फिर इस एक्सप्लांट को 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड या 0.5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में 10 टू 15 मिनट्स तक डालते हैं, और थोड़ी थोड़ी देर में इनको हिलाते रहते हैं ताकि हर तरफ से जो भी कंटेमिनेशन है वो निकल जाए, और इसके बाद लास्ट में इसको डबल डिस्टिल्ड वाटर से कई बार वॉश करते हैं। तो इस तरीके से एक्सप्लांट प्रिपेयर हो जाता है टिश्यू कल्चर के लिए। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि प्लांट का पार्ट कोई सा भी लेते हैं एक्सप्लांट की तरीके से जिसे यूज करते हैं, उसको टैप वाटर में वॉश किया जा रहा है, उसके बाद एक पैट्री प्लेट में डिटर्जेंट है टीपॉल, और फिर कुछ बॉटल्स में इथाइल अल्कोहल में डाल करके रखते हैं इसको, और या फिर इथाइल अल्कोहल से फिर मर्क्यूरी क्लोराइड में डाल करके रखते हैं, और लास्ट में इसको डबल डिस्टिल्ड वाटर से कई बार धो करके और इनकी जो स्लाइस हैं उनका कल्चर किया जाता है, या कई बार एसेप्टिक प्लांट से ही डायरेक्ट ये एक्सप्लांट सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, उस केस में हमें ये पूरा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। एसेप्टिक ट्रांसफर एंड इनोकुलेशन ऑफ एक्सप्लांट, यानी कर्तोतक या एक्सप्लांट का अजर्म स्थानांतरण व संरोपण। जब हम एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं तो ये प्रोसेस कहलाता है इनोकुलेशन या संरोपण। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी तैयार किया गया हुआ एक्सप्लांट है उसको स्टरलाइज्ड पैट्री प्लेट में रखते हैं। ये काम इनोकुलेशन
निडल के द्वारा होता है। इनोकुलेशन निडल में आगे की तरफ एक लूप होता है, इससे ही हम एक्सप्लांट को लेकर के और कल्चर वायल में जो कल्चर ट्यूब आपको दिखाई दे रही है इसमें ट्रांसफर कर देते हैं। तो कल्चर वायल में क्या है, न्यूट्रिएंट मीडिया है और ये सॉलिडिफाई किया हुआ है और सभी इक्विपमेंट्स अल्कोहल में डुबो के सुखा के फिर फ्लेम दिखा करके स्टरलाइज कर लिए जाते हैं। स्प्रिट लैंप जला करके कल्चर वायल्स को या फ्लास्क को फ्लेम के पास लाते हैं और इसका कॉटन प्लग हटा करके उसकी कल्चर वायल की नेक को हल्का सा गर्म करते हैं। एक्स प्लांट को इनोकुलेशन नीडल में लेकर के और तेजी से ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। वापस से कल्चर वायल की नेक को गर्म करते हैं हल्का सा और तेजी से कॉटन प्लग लगा देते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत तेजी से होना चाहिए ताकि कंटामिनेशन ना हो पाए, तो ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इस समय इनोकुलेशन के बाद जो भी कल्चर वायल्स होती हैं या फ्लास्क होती हैं उनको इंक्यूबेशन के लिए इंक्यूबेशन चैम्बर में रख दिया जाता है। कल्चर रूम में कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं, कंट्रोल्ड एनवायरमेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 55-60% तक होती है। इसके अलावा फ्लोरेसेंट ट्यूब लगी होती हैं जिसमें 10x10 लक्स लाइट और 16 आवर्स तक के लिए इसको रखा जाता है। जरूरत के हिसाब से लाइट ऑफ या ऑन कर देते हैं या फिर अगर लाइट जल रही है तो ब्लैक कपड़े से ढक देते हैं और बीच बीच में इसकी ग्रोथ और कल्चर को चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमने एक्स प्लांट को सुटेबल सॉलिड मीडियम पर कल्चर किया था। उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया है, सफिशिएंट न्यूट्रिशन उन सेल्स को मिलता है और वो डेवलप कर जाती हैं और ये कहलाता है कैलस। तो कैलस इज ए अनडिफ्रेंशिएटेड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, यानी एक अविभेदित सेल्स का एक समूह बनता है जिसको कि कैलस कहते हैं। ये कैलस कॉम्पैक्ट भी हो सकता है या फिर फ्राइबल भी हो सकता है। कॉम्पैक्ट का मतलब डेंस होता है जिसमें सेल्स बहुत अधिक टाइटली पैक्ड होती हैं, और फ्राइबल मतलब जिसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड होती हैं। ये कैलस सॉफ्ट होता है और आसानी से इसकी सेल्स को अलग अलग किया जा सकता है। इस कैलस का सब कल्चर किया जाता है फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया पर तो प्लांटलेट्स डेवलप होते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस द्वारा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए सबसे पहले एक्स प्लांट प्रिपेयर किया जाता है और इसे न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर कर देते हैं। जब कैलस बनने लगता है तो इस कैलस का सब कल्चर किया जाता है, यानी कैलस को सब कल्चर करने पर शूट्स डेवलप हो जाती हैं और जब मल्टीपल शूट्स डेवलप हो जाती हैं तो फिर वापस से इन्हें फ्रेश मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है ताकि शूट और रूट दोनों डेवलप हो सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि कल्चर मीडियम में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों ही यूज किए जाते हैं। अगर साइटोकाइनिन की रेशियो अधिक है तो शूट्स डेवलप होती हैं और अगर साइटोकाइनिन की रेशियो कम है तो रूट्स डेवलप होती हैं। यानी कंट्रोल्ड कंडीशन में ये सभी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इस तरह से हम प्लांट के एक छोटे से पार्ट से कई आइडेंटिकल प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर प्रोसेस में एक तो टाइम कम लगता है, प्लांट्स आइडेंटिकल होते हैं, इसमें सीड्स की जरूरत नहीं पड़ती। टिश्यू कल्चर के द्वारा वायरस फ्री प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं या डिजीज फ्री प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं। जिन प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन नहीं हो पाता या सीड जर्मिनेशन की रेट कम होती है वहां पर भी टिश्यू कल्चर के द्वारा हम प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर से हम रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज को कंजर्व कर सकते हैं और इसके साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो स्पीशीज डिस्टेंटली रिलेटेड होती हैं यानी उनमें आपस में क्रॉस नहीं हो सकता तो वहां पर हम प्रोटोप्लास्ट फ्यूज करा के और फिर टिश्यू कल्चर द्वारा प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जर्म प्लास्ट कंजर्वेशन के लिए भी टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है टिश्यू कल्चर की? एक तो टिश्यू कल्चर के लिए स्पेशल लैब की जरूरत होती है, इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, डबल डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, इसके अलावा ग्लासवेयर्स चाहिए, कॉस्टली हॉर्मोन्स चाहिए। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं।
इस तरह की लैब्स में हाई लेबर कॉस्ट होती है, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है और कंटामिनेशन का रिस्क भी रहता है, क्योंकि कंटामिनेशन अगर हो जाए तो बहुत तेजी से फैलता है, तो जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। कई बार म्यूटेशन हो जाता है तो म्यूटेशन का भी रिस्क रहता है और प्लांट्स के कैरेक्टर्स सारे चेंज हो सकते हैं। इस तरह से ये ट्रायल एंड एरर पर बेस्ड है, रिस्पॉन्सेज वेरी कर सकते हैं, रिजल्ट अच्छे भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने टिश्यू कल्चर के बारे में कुछ जनरल जानकारी ली। थैंक यू।